देखो भाई हमारी जीजी की आंखों में मोरा आंसू आ रहा है सुबह सुबह। पापा तो गया खात लेने के लिए और जीजी गई है मामान के। हेलो दोस्तों, राम राम जी, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे सभी? और भाई हम भी ठीक है। सुबह का टाइम है, करिए अब तो 5:30-6:30 हो गए होंगे। लेकिन तो अभी मैं अपनी छत पे आई थी पक्षियों के लिए दाना डालने के लिए, और तो मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ऐसा मौसम हो रहा है यहाँ का अभी, तो मतलब बादल छा रहे हैं ना इसलिए, और थोड़ा सुबह का भी टाइम है। भाई बेस्टोरों का काम तो कंप्लीट हो गया है, मैं अभी चारा डाल के गोर बगा के आई थी। हमारी चीजी है नल पे और इधर की तरफ वैसे चारा चल रही है। ये देखो भाई हमारा खेत भी बदुआ को भी जोत दिया पापा जी ने। और भाई अभी मतलब बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, और हरियाली भी देख सकते हो दोस्तों कैसी हो रही है, और मोर भी पुकार रहे हैं भाई, उनको बारिश दिख रही है शायद। तो आज तो वही है ना, अंधेरा ही होता आ रहा है सुबह भी, और वैसे भी सुबह ताली सूर्यदेव भगवान प्रकट भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी होने वाले हैं। और अभी तो मैं नीचे जाऊंगी, झाड़ू बुहारे लगाऊंगी मकान में, झाड़ू पोछा और चाय बनाऊंगी। लेकिन वो क्या है ना, जब से जगते ना जब से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर आज ऊपर छत पे बैठा जाए, फिर उसके बाद मैं घर का काम कर लूँगी, फिर चाय। लेकिन गांव में आके जो सुकून है ना भाई, वो कहीं पे भी नहीं है। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में मतलब कि जाना पड़ता है। देखो पेट को भरेंगे और कुछ करना चाहते हैं ना, तो मतलब जाना ही पड़ता है। तो ठंडा मौसम हो रहा है, आज तो बहुत मन कर रहा है भाई ऊपर छत पे ही रहूँ थोड़ी देर, क्योंकि इस टाइम थोड़ा अच्छा मौसम हो रहा है। घर का काम तो रोज ही करते हैं, थोड़ी लेट कर लेंगे। तो भाई अभी आ गई हूँ मैं नीचे, मैंने सोचा चलो वही चलते हैं, चाल बुखारी दे लेती है वो, तो फिर चाय बनाऊंगी। तो भाई अब हो चुका है सुबह का टाइम, और इधर सूर्यदेव भगवान भी प्रकट हो रहे हैं, हल्का हल्का सा चमक रहा है, और हमारा भी झाड़ू वगैरह का काम दे दिया है पानी भी। भाई इधर है हमारी जीजी, तो अभी दूध और छाछ ले रही है भाई सुबह सुबह। का होगो तो देखो भाई हमारी जीजी की आंखों में मोरा आंसू आ रहा है सुबह सुबह। दवा गाली है, कम दिख है। दवा गाली है जीजी ने आंखों में। अब तो पहला तो बजाय बहुत बूढ़ी बूढ़ी दिखने लगी। अभी चलते हैं अंदर, चाय बना लेते हैं कुछ, तो इधर दूध चढ़ा के गई थी मैं, गर्म हो गया है। तो भैया अभी बन रही है चाय, बन गई है चाय पी लीजिए दोस्तों। जी जी पापा के लिए दे के आते हैं कलर। चाय ले लो, चाय पी पा के और फिर ये अब जा रहे हैं हम चारा काटने। दरांत ले लिए भाई, ये देखो इस दरांत से चारा काट के लाएंगे। और अभी 6:30 का टाइम हुआ है, और देख सकते हो आज तो मौसम अच्छा है भाई, सूर्यदेव भगवान ने आज जाके दर्शन दिए सुबह सुबह, वरना 3-4 दिन हो गए बिल्कुल भी दर्शन नहीं दे रहे थे। तो चलते हैं, बहुत दूर खेत ही हमारा, दूर का ही देख लो भाई, खेतन का बीच में ही घर बस रहे।
तो अगल बगल में सुनियार काट ली। जी जी तो हमारी जार भी लग गई। वो देखो अभी अभी गई भाई मेरे आगे आगे, तो मैं भी जा रही हूँ। ये सुनीता और उनके पापा तो सो रहे हैं अभी। वही यहाँ से चारा काटना स्टार्ट कर दिया। तो वही अभी हमने दो बड़े काटो कर लिए मार कर, और अभी दूसरा भाग रहे थे तो पटक भी आई, और अभी काट रहे हैं, भर लेती हूँ, फिर एक ज्वार का काटेंगे। और आज हमारी जीजी भरतरी बाबा पांडू फोड़ के जाएगी भाई, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो खेलू तो देखो खेत में काम भी कर रही, और रात ही फिर नाश्ता करने लग गई। एक बार तो ना एक बार तो नाश्ता कर आई करगी और फिर आ गई। दोस्तों एक घंटा में तीन बरोटा काट के आए, अब घर का काम करूंगी, रोटी सब्जी झाड़ू झाड़ तो देगी, पोछा वगैरह बर्तन बर्तन साफ करूंगी, चाय पी लो दोबारा, मित्र पपन बनाई वो भी फिर। हाँ दोस्तों क्योंकि मैंने बनाई है, मैं अभी उठा था, ये चारा काट रही थी तो मेरी बनी बनाई चाय को आके पीने लग गई है रोकी, और उधर हमारा रोकी बैठा है। तो अभी तो यहाँ पे बैठे हुए हैं हम, और इधर देखो खेलू सब्जी काटने में लग रही है। क्या की सब्जी बना रही है आपको पता ही होगा दोस्तों, लौकी लौकी आलू की सब्जी बना रही है। सुबह का टाइम हो रहा है अभी तो, आठ बजे हैं अभी तो, और देखो नियार पुश करके चारा वारा काट के पूरी तरह फ्री हो गई है। और अब जाके ये मैं तो अभी 7 बजे तो उठाई था बस, मैंने तो उसके बाद चाय पिया भुरुस भुरुस करके। चलते हैं खेलू के पास, खेलू क्या करने में लगी हुई है, क्या कर रही है खेलू? पुट्टी करूंगा भाई अभी परोठा नहीं, क्योंकि तो जी भी नहीं है, पापा जी भी नहीं है, तो मेरे को ही करनी पड़ेगी। पापा तो गया खात लेने के लिए और जी जी गई है मामान के, चला दो कर ला फटाफट पुट्टी। हाथ मत दे दीजिए कभी, ढूंढी हो जाए ढूंढी हो जाए। तो इधर देखो खेलू को एक दिन कुट्टी करने को मिला, उसमें भी कुट्टी नहीं हो रही है, इससे कभी गाढ़ा ज़्यादा दे रही है कभी कम दे रही है। हाँ मशीन को रोकनी पड़ेगी, इसमें भर दिया गाढ़ा फुल और दबा के बंद कर दी, और अभी तो बहुत कुट्टी करनी है। खेलो के पास देखा इसने रोटी बनाई नहीं है, बनाई लो खेल रोटी बना ले, बना ले यार भूख लग रही है फटाफट हमको। दे पसीना में कहीं जावा जो बुरी है, हवा करोगे तो बीज नहीं ले आऊंगे रोटी कर रही है नहीं वास कर देता हवा बुआरी सो दे रोटी था तो भूख लग रही है यार। तो चलो दोस्तों रोटी खा लेते हैं, पहले मैं लंबू दादा को खींच गिथा देता हूँ रोटी, क्योंकि अभी रोटी वीडियो की शूटिंग करने वाले हैं। लंबू दादा रोटी खा ला, खा लीजिए, इधर मैं रियासु खा रहे हैं और इधर लंबू दादा खा। दोस्तों खाना खा लीजिए, लस्सी है, चुपड़ी रोटी है, आलू गोभी सब्जी है, आप भी खाओ, घिया की है दोस्तों सब्जी। बुद्धिमारी रोटी खा ला खाई। तो अभी हम लोग कर रहे हैं वीडियो की शूटिंग, तो अभी तो मेहनत खाई ना है तो खानो। तो भाई मैंने खाना नहीं खाया है वीडियो के बनाने के चक्कर में, और सभी ने खाना खा लिया है, बना के मतलब खाना खिला दिया है, और अभी हम लोग बैठे हैं, चाची जी को भी बुलाया हमने, और सभी ने खाना खा लिया और भाई खेलू के बिजी रह रहे, खाना बनाओ घर का काम करो, अभी तक खाना ही नहीं खाया। ये गांव में यार भूखी ना लगे भूखा ही काम करता रहो, मुंडा चलता रहता है आज खा चले नहीं तेरा पापा मेरी हमेशा बेइज्जती मत करो करो तुम कब ना चला तेरा मुंडो बता वीडियो बनाई जब तो चला ही है।